नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आप रोज न्यूज देखते हैं, आप तरह तरह की न्यूज देखते हैं, परंतु पूरा देश का आईना आज हम आपको दिखा रहे हैं। 30 सितंबर को 101 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था, 14 अक्टूबर जो कल बीत गया 104 रुपये हो गया। और केवल पेट्रोल ही 104 रुपये नहीं हुआ है, भुखमरी के मामले में पूरी दुनिया में भारत 104 नंबर पर आ चुका है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उससे भी नीचे पिछड़ गया है भारत। यहां पर 25% लोग भूखे मर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश की आबादी कितनी है। 2014 में भाजपा आई, उसके बाद एक भी खुशखबरी अगर सरकार ने दी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप गरीब हैं, आपकी जो परेशानी है वो खुद की परेशानी है। आप ऐसी सरकार चुनते हैं। आपने कहा कि हमने सुना है सबका विकास, क्या सब में चोर उचक्के नहीं आते, अंबानी और अडानी नहीं आते, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं आते, उनका विकास हुआ है? आपका विकास हो या ना हो, और मैं एक बात बता देता हूं, उत्तराखंड में भाजपा से बड़ा चेहरा दलित नेता यशपाल यार्य पार्टी छोड़ के निकल लिए। भाजपा टेंशन में है और वहां के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कोई रहे कोई जाए से कोई मतलब नहीं। और तो और, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा, हम तो हर प्रोग्राम में बहन मायावती जी को भी इनवाइट करते हैं। लीजिए, कहने का मतलब यह है कि भाजपा चाहती क्या है, केवल कुर्सी पर बने रहे। हमने मान लिया कि धारा 370 हटाई गई, कश्मीर से हत्याओं का दौर कब खत्म होगा? धारा 370 हटाने का मुख्य उद्देश्य यह था भेदभाव। क्या आपको नौकरियां लगी, रोजगार लगा? नोटबंदी हुई तो हमने ये सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए लाइन लग लेते हैं, 4-4 हजार रुपये कैश करा लेते हैं। देश में जितने बड़े बड़े डाकू बैठे हुए हैं, जो ब्लैक मनी वाले, सब पकड़े जाएंगे। खुश भी होते थे जब पकड़े जाते थे, पकड़े वकड़े नहीं जाते थे, केवल न्यूज आती थी। और खुश होकर कुछ दिन गुजारा, कोई बदलाव नहीं। कोरोना आया तो कहा गया लॉकडाउन कर देते हैं, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, वह भी बर्दाश्त किया, कोई परेशानी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जीएसटी आया, हमने सोचा 12 तरह का टैक्स देने के बजाय सिंगल टैक्स है, चलो इसको भी बर्दाश्त कर लो। सरकार ने वह सारे कार्यक्रम किए और आम जनता ने सपोर्ट में खड़ी रही। आप विकास विकास करते रहे, आपने बिल्कुल अंधभक्ति दिखाई। मैं सबको बोल रहा हूं, चाहे उसमें 15% वाले हो या 85% वाले हो, सबके सब जिम्मेवार हैं। अगर बेरोजगारी है तो इसके जिम्मेवार कौन? आप हैं, क्योंकि आप चुनते हैं, ऐसी सरकारों को आप चुनते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे आप अंधे हो जाते हैं। जिन्हें आप अपने बच्चों का गार्जियन बनाना पसंद नहीं करते, उन्हें आप देश का गार्जियन बना देते हैं। आप कहते हैं अजय मिश्रा उर्फ टोनी टेनी, फिर बाद में खबर आती है वो खाद का पेट्रोल का स्मगलिंग करते थे। उनको चुना किसने था? आपने ही चुना था। जो बड़े बड़े नेता पकड़े गए, कुलदीप सेंगर तो विधायक हुआ करता था, उसको किसने चुना था? आप लोगों ने चुना था, आम जनता चुनती है। ऐसे ऐसे मक्कार नेताओं को चुन चुन कर आप असेंबली में भेजते हैं, देश के सांसद के अंदर भेजते हैं, सदन में भेजते हैं, बड़े हाउस छोटे हाउस, और उसके बाद पूरे देश की जनता को भुगतनी पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं, हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब अमेरिका गई तो वहां के पत्रकारों ने पूछ दिया कि मैडम लखीमपुर खीरी के बारे में कुछ बताइए, और मैडम को यह कहना पड़ गया कि अन्य मैटर पे बात करें, इसे हमें जो है हम इसे कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं। कहने का मतलब यह
कि देश तो देश, अब विदेशों में भी पीछा नहीं छोड़ा जा रहा है। भारत की नाक बचेगी या नहीं बचेगी? बेरोजगार युवक तो धक्के खा रहे हैं, उल्टे सीधे अपराध में वो फंसेंगे, अपराध करेंगे क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है और अक्सर हम बहन मायावती जी की भाषणों में सुनते हैं कि हम लुभावने वायदे नहीं करते। 80-90% जनता ने कहा है अपने कमेंट में, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, कि बहन मायावती जी को और बसपा को घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, जनता तभी वोट देगी जब आप घोषणा पत्र देंगे, जब आप वायदे करेंगे। रही बात ये कि साइकिल युग और सोशल मीडिया युग में अंतर को समझिए। ये जो युवा हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, रंक से राजा बना देते हैं आपको, मुख्यमंत्री तो दूर प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे। इन युवाओं में इतनी ताकत है और इनकी मांग को आप मान लीजिए, अपना घोषणा पत्र जारी कीजिए। हमने पूरा सर्वे कर लिया है और बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी से आग्रह करूंगा, आप घोषणा पत्र जारी कीजिए, लोग मांग रहे हैं। ये बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले हैं, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब आपको बोलना पड़ेगा। केवल दलित और ब्राह्मण करने से वोट नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब यह है, विकास की बातें जो आप करने वाले हैं वो बोलेंगे, जो आप कर चुके हैं उसको आप डिस्प्ले कीजिए। 2007 से 2012 के जो आपकी शासन काल रहा है, आप उसको डिस्प्ले कीजिए। करने वाले क्या हैं ये आपको बताना पड़ेगा और ये जनता आपको वोट देने जा रही है, वोट देगी, परंतु आपके मुख से सुनना चाहती है, घोषणा पत्र देखना चाहती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।